नमस्कार, मैं लखन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। ये है जालौर जिले के सायड़ा ब्लॉक का मेंगलवा गांव। गांव में जब आए हैं हम तो यहां देख रहे हैं सामने किसान बैठे हैं और यहां के किसान नई खेती करने लगे हैं, नए किस्म की फसलों की बोई यहां पे हो रही है। आपके खेत की तरह है, पहले खेत बताएं। चलो उस तरफ ये अपने खेतों में आते बसे हैं, खेतों को वेरा कहते हैं आमतौर पर। खेतों पर वेरा होता है, वेरा मतलब कुआ, और कुएं पर आकर रहने लगे हैं, इसलिए बोलचाल में कहते हैं कि हम वेरे पर रह रहे हैं। यहाँ पे देखिए पानी के पीने की ऐसी टंकी है, इसमें पानी भर लेते हैं और महिलाएं यहाँ बर्तन धोती है, पीने का पानी भी यहाँ से ले जाया जाता है। और ये हम इनके खेत में पहुँचे हैं, खेत में यहाँ पर लगे हैं अनार के ये पेड़, बीच बीच में पाइप की लाइन घूम रही है और कई खेतों में अनार लगे हुए हैं। इस खेत में हम किसान से बात करेंगे कि इन्होंने ये खेती क्यों की, कैसे की, क्या क्या खर्च आया है, बात करते हैं इनसे। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम मदन। मदन जी, हाँ। मदन जी ये बताएं कि कितने बीघा में ये आपने अनार के पौधे लगाए हैं? ये आधा बीघा में 500 पौधे लगते हैं। और आपने कितने में लगाए हैं, कितने बीघा है कुल? ये टोटल 1 बीघा है। अच्छा, सरकारी 3 बीघा। और इसमें कितने पौधे, कुल कितने पौधे आपने लगाए हैं? मैंने 1500-1600 लगभग। और एक पौधा का कितने का है, कहाँ से लिया है? ये हमारे कोई डीलर लाता है, दुदुआ गांव में रहते हैं, वहाँ से लिया था। वो गाड़ी मंगाता है बाहर से और 30 रुपये का एक पौधा आता है, उस हिसाब से लिया था। और पहले भी कभी लगाए या पहली बार लगाए? नहीं, ये हमने इस खेत में पहली बार ही लगाया। इनके लिए क्या करना पड़ा, पहले खेत को कैसे, जैसे गेहूं बोते हैं, समतल, पहले समतल किया, फिर ड्रिप इरिगेशन फिट किया, ड्रिप इरिगेशन, नलिया और पाइप लाइन लिया। वो उसका कितना खर्चा आया नलिया और पाइप का? इसमें बीघे में 50-60 हज़ार का होता है। आपके कितना खर्चा है? हमारा 87,000 तक गया था। लगभग 45,000 रुपए के तो पौधे आ गए आपके? हाँ, और ड्रिप का 80,000 का लगभग। 80,000, तो ये लगभग 1,25,000 रुपए का हो चुका है। इसके और क्या खर्चा है? खाद भी डाला था, 50-60 हज़ार का खाद डाला था। अभी तक टोटल हमने 1,00,000 का खाद डाल दिया है। 1,00,000 रुपए का खाद? हाँ। तो ये लगभग 3,00,000 रुपए आपकी मजदूरी और दवाई वगैरह सब मिला के अब तक 6-7 लाख का टोटल खर्च हो चुका है अंदर, दवाइयाँ वगैरह सबको मिला के। मतलब गड्ढे, गड्ढा खोद करके? हाँ, एक एक। ये गड्ढा कितने बाई कितने का किया? ये गड्ढा तो इतना ही था, आराम से अंदर पेड़ आ सके, वो तो छोटा था पेड़, उच्च में तो आसानी से आ जाए। और 5-4 किलो अंदर खाद आ जाए। ये ड्रीपर पहले एक एक लगाया था और अभी बाद में 4-4 किया है और कुछ पौधा में हमने 6-6 भी किए हैं। कितना बड़ा पौधा हुआ? हाँ, जैसे जैसे पौधा बड़ा होता है ना, वैसे वैसे ये ड्रिप पर थोड़ा बढ़ाना पड़ता है। ये फल कब से आने शुरू हो गए थे? अभी ये फल 2 महीने का हो गए। और ये कब तक अभी हो जाएगा? अभी इसको 3-3.5 महीना लगेगा पकने में। क्या चुनौती आती है, चैलेंज क्या आता है, मतलब इसको बचा के रखने में, इसको बड़ा करने तक क्या समस्या आ सकती है, आपको क्या लगता है? समस्या तो ज्यादातर वो कीटनाशकों का ज्यादा प्रकोप होता है और सर्दी के मौसम में भी ये फल है ना, इसके ऊपर वो उसको क्या बोलते हैं, पाले से बचाने के लिए भी बहुत इस पे पापड़ बेलने पड़ते हैं। क्या करेंगे फिर पाले से बचाने? ऊपर ग्रो कवर आता है, वो लगाना पड़ेगा। अच्छा, कवर लगाना पड़ेगा। उसमें कितना खर्चा आएगा लगभग? वो 500 पौधा में 12,000 से 13,000 रुपए का, 500 पौधे में। हाँ, तो आपको एक तरीके से 40,000 के समथिंग रुपया वो करने के लिए। पर कैसा लगा ये खेती करके? थोड़ा रिस्क ले ली? नहीं, ऐसा तो रिस्क जैसा तो कुछ नहीं लगता है, लेकिन थोड़ा है, दवाइयों का वगैरह खर्चा बहुत आता है। दवाइयों में कितना खर्चा हो चुका है? दवाइयों में अब तक 2 महीना हुआ है लगाए, 2 से 3 महीना, और अब तक 1,00,000-1,25,000 के लगभग दवाइयाँ जा चुकी है। किस महीने में लगाना ठीक रहता है इसको? ये हमने 7वें महीने में इत्रल किया था, जुलाई में। हाँ, बहुत जल्दी फल आ गया। कई लोगों के तो कह रहे हैं कि 16 महीने बाद में फल आता है, आपके बहुत जल्दी फल आ गया। नहीं, 16 महीने का तो पौधा हो चुका था। अच्छा। हाँ, पौधा 15-16 महीने का हो गया था, बाद में वो झाड़ने का दवाई किया।
नहीं तो आपको ये 16 महीना हो चुका है लगाए हुए? पौधा लगाए 16 महीना हो चुका है और फल लगाए 2 महीना हुआ है। फल लगाए हुए? हाँ। फल लगे को 2 महीने हुए। हाँ। तो 16 महीने का पौधा हुआ, फिर ऐसा क्या किया कि फल आने लगा? कुछ करना पड़ेगा? हाँ, उसमें अलग से दवाई आता है, उसका छिड़काव करते हैं, पत्ते झड़ जाते हैं। हाँ, हाँ। और फल निकलना शुरू हो जाते हैं। तो एक तरीके से आप तब कहते हैं वो कि हाँ अब पौधा लगा है। हाँ, पत्ते पूरे झड़ जाते हैं, उसको दवाई डालते हैं ना। हाँ। पत्ते पूरे झड़ जाते हैं। मंगलाराम। तो आपका ये वाला खेत आपका? हाँ, ये मारा है खेत। अच्छा, आपने कितना लगाया, कितना पैसा लगा चुके अभी तक इस खेती में? और मैं लगाई अब रहा है पिया तो खजा लगाई अब रहा। तो भी कोई हिसाब किताब है कितना लगाया? हिसाब किताब तो मैं छोकरा पड़े लगा हुआ हजून पड़े को याद है नहीं बीच पिया तो मैं अनुमान थी बुरा आई हुआ खर्चो 500 में इतना सी जा रही तो दवाई आई रही भाई हाई टेक हजार बुआ पर आए ना ड्रीप रहा 20,000 पौधे लाई अंदर बुआ यूक्रेन पैसा खसा हुआ। तो ये बाजरी में और गेहूं में उनमें तो इतना खर्चा नहीं होता था? अनमें नहीं बहता, अनमें खर्चो बढ़ा रहा है पर इनकम भी अच्छी होगी ऐसा है अनुमान? मैंने मां सही प्री पलपे तो मजूरी गहरी प्री वे सही प्री पलपे। तो आपका क्या अनुमान है कि आपके कितनी इनकम हो जाएगी इसको करने? मैं सही प्री पलपे तो 500 भगवान देवाल वे तो तौन मौन बे चार बजी मजूरी मले प्री मार तो पहली बार है बीजू कंडे कंडे हुई है मजूरी मेरे काफी हाँ। तो लोग देखा देखी कर रहे हैं काम है ना एक के दूसरे तीसरे और तो पहली बार है बीजू कंडे कंडे अच्छी बेरी है पहलो ने कंडे बीज बार और तीज बार और लगा पहली बार लगाया है। हमारा अनुमान है कि इस साल 8 से 10 लाख तक का हो सकता है। तो पहले आपके इलाके में आपके दोस्तों में आपके रिश्तेदारी में कोई लोग करते रहे? हाँ, पाड़े सब करते रहता नरे लोग 10 साल हो गए इधर इस खेती को। तो ऐसी भी है जहाँ ये पौधे बुढ़े हो गए और उखाड़ के फेंक दिए ऐसी भी जगह है बहुत। पहले इस खेतों में इन दोनों में क्या था? इधर पहले तो वही अभी इस फसल को और पहले की फसलों को हम देखे बाजरी में कितना पानी चाहिए गेहूँ में कितना पानी चाहिए और इसमें कितना पानी चाहिए पानी में क्या फर्क? इसमें पानी रेगुलर टाइम टेबल चाहिए। टाइम टेबल मतलब बोले तो एक दिन छोड़ के एक दिन पानी देना ही पड़ता है और बाकी जो फसलें हैं गेहूँ बाजरी उसमें 5-6 दिन निकल जाता है तो भी चलता है। इसमें एक दिन छोड़ के एक दिन दूसरे दिन देना ही पड़ता है। हर 2 दिन में पानी चाहिए? हाँ, हर 2 दिन में पानी जरूरी है। और पानी ना दिया जाए तो? इसकी जड़ें बहुत नाजुक होती है जी। हाँ, वो चूंकि रेत में खराब हो जाती है बहुत जल्दी। और क्या सावधानी रखनी पड़ती है? एक तो पानी चाहिए हर 2 दिन में, पानी दवाइयों का, दवाई ज्यादा चाहिए, दवाइयों का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। दवाई कितनी बार महीने में? महीने में 3 बार लगभग। तो वो ऊपर वाली जो छिड़काव वाली दवाई? छिड़काव का पूरा ध्यान रखना पड़ता है और जड़ों में भी दो तीन दिन छोड़ करके देना ही पड़ता है। तो जड़ों वाली जो है वो तो इस ड्रिप में ही डाल देते हैं? ड्रिप में। अभी जो फल लगा हुआ है ना अभी, तो अभी इसको 2-3 दिन में अंदर वो खुराक देना ही पड़ता है और बाकी अगर फल नहीं होता है तो चलता है, वो नहीं देंगे तो भी। अब फल इसको बड़ा करना है इसलिए वो जड़ों में देना जरूरी है 2-3 दिन में और ऊपर भी इसके ना कीटनाशकों का और वो फंगीसाइड वगैरह छिड़काव करना ही पड़ता है 7-8 दिन। तो आपके इस इलाके में यहाँ जो आपका आसपास का खेत है कितने किसानों ने ऐसा बो रखा है? हर बेरे पे 500-600 पौधे हर बेरे को दिखने को मिलेंगे। तो फिर यहाँ पे इतना ज्यादा पैदा होता है फिर कहाँ जाता है ये बेचने के लिए? ये बेचने में जीवाणा में 3-4 मंडियां लगी हुई है, बड़ी बड़ी बाहर से व्यापारी आते हैं तो वहाँ जाती है और यहाँ पे भी खरीदने वाले आ जाते हैं। हाँ, व्यापारी इधर भी आते हैं। तो ऐसा भी है कि मतलब ये फूल निकलते हैं नहीं? हाँ। तो इसमें से मतलब फल एक प्रकार का फूल या 3 प्रकार के होते हैं उसमें से एक फल बनेगा और अच्छा, एक नीचे टूट के गिर जाएगा। हाँ। और एक ऊपर रहता है वो आगे जाकर खराब हो जाएगा। अच्छा।